विदिशा जिले के ग्यारसपुर क्षेत्र में अचानक ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई फसलों का जायजा विदिशा विधायक कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन, जिला अपर कलेक्टर वृंदावन सिंह और एसडीएम ग्यारसपुर तहसील और पटवारी ने चिन्हित ग्रामों का भ्रमण कर जायजा लिया। अपर कलेक्टर ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को नियमानुसार राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए क्षति का आकलन करने हेतु सर्वे दल गठित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक तौर पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जिले के ग्रामों में ओलावृष्टि होने के कारण फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसमें सर्वाधिक ग्यारसपुर तहसील क्षेत्र के 24 ग्राम, गुलाबगंज के 16 ग्राम शामिल हैं। पीड़ितों से रूबरू हुए विदिशा विधायक शशांक भार्गव एवं अन्य जन प्रतिनिधियों के अलावा कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने ग्यारसपुर, गुलाबगंज, बासुदा क्षेत्र के प्रभावित ग्रामों का दौरा कर पीड़ित कृषकों को ढांढस बांधते हुए कहा कि शीघ्र ही सर्वे कार्य के उपरांत नियमानुसार राहत राशि वितरण करने के प्रावधानों का क्रियान्वयन किया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर जैन ने कहा कि संकट की इस घड़ी में शासन प्रशासन पीड़ितों के साथ है, उन्हें हर संभव मदद मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा और भी ग्रामों का भ्रमण किया गया। ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामों का भ्रमण कर पीड़ित कृषकों से संवाद कर ढांढस बंधाया और उन्हें शीघ्र ही नियमानुसार एवं ग्यारसपुर तहसील के दूरस्थ ग्राम में पहुंचकर क्षतिग्रस्त खेतों का जायजा लिया गया। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट। अच्छा, तो आपके यहाँ पर सुबह ओलावृष्टि हुई है, कितना? सुबह 7 बजे ओलावृष्टि हुई है, लगभग 70-80% नुकसान है। और कितने कितने बड़े ओले गिरे? ओले 100 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक का। अच्छा, साथ में पानी भी है? केवल पानी नहीं, पेवर ओला गिरा है, पेवर ओला। अच्छा, कितने क्या गांव के आसपास यहाँ पर? कम से कम यहाँ 20 गांव ऐसे हैं जहाँ बहुत ज्यादा क्षति हुई। शासन यहाँ पर जो प्रशासन के कर्मचारी पर कलेक्टर वगैरह इसी में आ चुके देखने के? हाँ, अभी तुरंत आए हैं, अभी इस वक्त ही मौके पे है वो। ठीक है, आप संतुष्ट हैं? सर्वे किया जा रहा है का? सुबह 7 और 8 के बीच में ओलावृष्टि हुई, तो आप इस क्षेत्र में भ्रमण के लिए आए, किसान फसलों कितना क्या उम्मीद है? सर्वे के अनुसार कितना क्या उम्मीद है फसल नष्ट हुई, कितनी प्रतिशत? नहीं, अभी ओलावृष्टि हुई है सुबह 7 से 8 बजे के बीच में, और मैं इस समय धोकेड़ा ग्राम में हूँ। यहाँ किसानों के बीच में हम सर्वे कर रहे हैं, हमारे पटवारी जी भी आ गए हैं, खेत पे खेत जाके सर्वे करेंगे और जो उसका सर्वे होगा उसके अनुसार कार्रवाई। सर, किसान बता रहे लगभग 50-80% के बीच में, ऐसा कि आपको देखने नहीं आ रहा? अभी मतलब प्रारंभिक दृष्टि से हम कुछ भी कहने में असमर्थ हैं, इसका हम फसल प्रयोग भी कराएंगे और पटवारी हमारे खेत टू खेत जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो सर्वे कराएंगे उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको बताएगा। 8 के आसपास भारी बारिश हुई, साथ साथ में ओलावृष्टि भी हुई है, तो आप क्षेत्र का भ्रमण करा, कितना क्या नुकसान की आशंका है किसानों? जैसे ही 7 बजे 7:30 बजे ओले गिरे थे, 8 बजे के आसपास कलेक्टर साहब का फोन आ गया था कि कई गांव में ओले गिर गए हैं जी, उसको जाके मैं देखूं, तो मैंने सभी स्टाफ को बोला मैं भी आके देखा हूं जी, कि जगह बाकी बड़े बड़े ओले गिरे हैं और जो क्षति हुई है उसकी हम शीघ्रता से जाँच कराएंगे और किसानों के लिए जितना संभव हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।